हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरव। आप देख रहे हैं आज पर हम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले गणेश 0.5 एचपी रेजोनेटिव पंप के बारे में। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट आया था कि आप प्लीज़ इस पंप के ऊपर वीडियो बनाओ। तो गाइस, मैं इस पंप की वीडियो लेके आ चुका हूँ। बिना किसी देरी के आप मेरे चैनल को पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलने में आपको किसी प्रकार की देरी ना हो। गाइस, वीडियो में बने रहिए और आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। इस मोटर का हम टेस्ट भी करेंगे कि 30 फुट पानी पीछे से खींच पाती है कि नहीं। हाँ गाइस, इस मोटर का ऊपर हम टेस्ट करेंगे कि पीछे से 30 फुट पानी खींच पाएगी नहीं। हम पहले इस मोटर में आपको पहले डिटेल दूंगा, बाद में हम इसके पीछे 30 फुट की पाइप ऐड कर देंगे। अभी तो फिलहाल ये 2-3 फुट की पाइप लगी हुई है, साइड में बकेट रखी हुई है। बाद में हम इसके पीछे गाइस 20 फुट की पाइप और ऐड कर देंगे, बाद में टोटली 30 फुट हो जाएगा। बाद में मोटर को ऑन करके देखेंगे कि 30 फुट पानी खींच पाती है कि नहीं। वैसे गाइस, इसकी लिमिट है मैक्स 100 फुट तक, ये 100 फुट तक पानी खींच पाती है कि नहीं। लेकिन गाइस, हम पहले 30 फुट पर टेस्ट कर लेंगे। इस वीडियो में हम गाइस 30 फुट टेस्ट करेंगे, बाकी 100 फुट बाद में करेंगे दोबारा कभी। लेकिन क्या पता ये 30 फुट ना खींच पाए तो फिर 100 फुट का क्या फ़ायदा। इसलिए गाइस, हम पहले 30 फुट में टेस्ट करेंगे कि पानी खींच पाएगी नहीं। सबसे पहले गाइस, मैं आपको उस मोटर की कुछ डिटेल्स दे देता हूँ, जैसे कि कितने एचपी की है और कौन सा मॉडल नंबर, ड्यूटी वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं ब्रांड की। तो दोस्तों, ये गणेश कंपनी की है, ये 0.5 एचपी की आती है। और गाइस, ये सिंगल फेस की है, मतलब ये सिंगल फेस तो आप समझ सकते हैं कि आप इसे घर पर भी यूज़ कर सकते हो। सिंगल फेस की, ऑफकोर्स सिंगल फेस करंट आपके घर पर आता ही है। मॉडल नंबर VSP.1 है, एचपी ड्यूटी के साथ, क्लास बी इंसुलेशन और 220 वोल्ट की करंट जैसे रिक्वायरमेंट होता है चलने के लिए। 220 वोल्ट आपके घर पे आता है, 220 वोल्ट का। अगर इससे कम आएगा तो दोस्तों मोटर नहीं चल पाएगी। और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के साथ आती है और 0.5 एचपी की है। वोल्ट की बात की जाए तो 0.370 वोल्ट मैक्स करंट। दोस्तों, उसके अंदर 3.5 एम्पीयर का फ्लो होता है। आरपीएम स्पीड दोस्तों इसका 2820 है, 2820 आरपीएम। आरपीएम होता है दोस्तों राउंड पर मिनट, ये पर मिनट में कितना राउंड लेती है, तो मैंने आपको बताया जी 2820। अभी अब मैंने इस मोटर को ऑन किया तो आप इसका फ्लो देख सकते हो, काफ़ी अच्छा फ्लो दे रही है। साइड में मैंने बकेट रखी हुई है, ज़्यादा बड़ी पाइप नहीं है गाइस, ये 3 से 3.5 फुट की पाइप लगी हुई है साइड में, आप देख सकते हो, जो काफ़ी अच्छा फ्लो है। गाइस, इसकी जो इनलेट और आउटलेट पे पाइप लगती है 25x25 mm, यानी 1 इंच की पाइप लगती है। अब बात की जाती है दोस्तों इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, यानी बात इंपॉर्टेंट डिटेल्स में मतलब इसके अंदर जैसे इसका हेड आता है दोस्तों, हेड की और वाइंडिंग सबसे ज़रूरी होता है मोटर के अंदर। गाइस, जितना बड़ा हेड होगा पानी भी उतना ज़्यादा फेंकेगी मोटर, उतना ही पीछे से खींच पाएगी। दोस्तों, इसका हेड है 15 मीटर का, 15 मीटर यानी 100 फुट से आराम से पानी खींच लेती है। जैसे 100 फुट और 20 से 25 फुट और 30 फुट ज़मीन से आराम से खींच लेगी, मतलब अंडरग्राउंड टैंक से। और बात की जाए दोस्तों इसका डिस्चार्ज की, डिस्चार्ज दोस्तों इसका 900 लीटर पर आवर है। और दोस्तों 900 लीटर पर आवर 6 मीटर पर हाइट पर, मैं दोबारा क्लिक देता हूँ, आप साइड में लिख लो, 900 लीटर पर आवर 6 मीटर हाइट पे। और गाइस, इसका पर मिनट है 15 लीटर पर मिनट। दोस्तों, ये मैंने इसका पर आवर भी बताया दोस्तों, पर मिनट भी बताया, 900 लीटर पर आवर और 15 लीटर पर मिनट। दोस्तों, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, आप कन्फ्यूज मत होना। और गाइस, ये आराम से मैक्स आपको 1 मंजिल 2 मंजिल तक पानी डाल देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। ज़्यादा हैवी भी मोटर नहीं है गाइस, ये आपको 6 या 7 किलो की आती है मैक्स, इतना ही इसका वजन है भाई, ज़्यादा वजन की नहीं है गाइस। आपको अपने साइड में टैक्स मोल लगे, उसका वजन है 30 kg। आप सोच सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है प्राइस के मामले में, या चाहे हेड के हो या चाहे क्या नाम है वेट में, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इसकी गाइस ज़्यादा प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है, ये आपको 3000 साढ़े 3000 मार्केट में इससे मिल जाएगी। अब मैं आपको दोस्तों इसके एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता, क्योंकि हमने तो ये 3300 की बाई की थी, बाकी इसकी प्राइस ज़्यादा भी होती रहती है, कम भी होती रहती है। इसकी फिलहाल लेटेस्ट प्राइस ऑनलाइन आपको 3500 की चल रही है, मार्केट में कम भी मिल जाएगी, पता नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स अपलायंसेस की प्राइस के ऊपर नीचे होती रहती है। और आपकी इसकी वारंटी कंफर्म है, वारंटी तो दोस्तों आपको 2 साल की मिलेगी, वारंटी गारंटी वगैरह ऐसी चीज़ें तो आप कन्फर्म ही रहती है, वो ऊपर नीचे नहीं होती रहती, आपको पता ही है। और गाइस, आप ये देखते हो मोटर, आपको कलर ऑप्शन में तो दोस्तों ये एक येलो कलर आता है, वैसे कलर से मैं क्या काम है मोटर में, मोटर मेन काम क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ाना, पानी पीछे खींचना, हमें मेन तो ये चाहिए कलर कैसा भी होता है, कलर में क्या दिक्कत है, बाकी किसी किसी का शौक होता है भाई कलर का। अभी अच्छे से देख सकते हो गाइस मोटर के लुक अच्छे से। अब मैं 2 मिनट के लिए शांत होता हूँ, इस मोटर की आप आवाज़ सुन लो कैसी है। यो गाइस, हमने प्रो सेटअप कर लिया है। अब जरा आप पीछे से देख सकते हो, ये तो अपनी ये 3-3.5 फुट की पाइप है, फिर मैंने यहाँ पे ये दूसरी पाइप ऐड किया, ऊपर टेप लगा दी जिससे पाइप से एयर ना जाए अंदर और मोटर में पानी कंटिन्यू आए। और दोस्तों, ये पीछे पाइप ऐड करने के बाद जो टोटल हो गई 30 फुट की पाइप, 25 से 30 फुट की, और ये और वो अपनी आप अपनी मोटर देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने बकेट रख दिया, ऊपर ये पत्थर रख दिया जैसे पाइप बाहर ना गिरे। और ये गाइस, अब पूरा 30 फुट का सेटअप हो चुका है, अपनी आगे मोटर लगी हुई है। अब गाइस, हम मोटर को ऑन करके देखेंगे कि पानी उठा पाती है कि नहीं। तो आपको क्या लगता है गाइस, उठा लेगी या नहीं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो गाइस।
इसकी दोस्तों मैक्स लिमिट तो 100 फुट तक है, मतलब 100 फुट से आराम से पानी खींच लेती है, तो 30 फुट तो क्या चीज़, 30 फुट से भी खींच लेगी दोस्तों। अभी मैं ये पिन लगाने जा रहा हूँ प्लग के अंदर, आप देख सकते हो, मैं जरा जूम कर देता हूँ आपको क्लियर दिख जाए। ये गाइस मैंने मोटर ऑन कर दिया है, ये पानी आ चुका है गाइस। अरे शायद पानी नहीं खींच उठा पाई दोस्तों, उठा लिया इसने, शायद पाइप का आ रहा है या उठा लिया इसने पानी। नहीं गाइस इसने पानी उठा लिया, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आपने पहले देखा था ये 2 3 साढ़े 3 पानी उठा रही थी, और अब ये 30 फुट पीछे से पानी उठा रही है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं फ्लो के अंदर। गाइस डिफरेंस आता है जब अपनी मैक्स लिमिट से, मतलब 100 फुट से पानी उठाते हैं, जब थोड़ा पानी का फर्क पड़ता है, जब क्या नाम है इसका प्रेशर काफ़ी कम आता है, क्योंकि अपनी लास्ट लिमिट ना जो वहाँ से पानी उठा रही है। गाइस इसके साइड में टैक्सुमो लगी हुई है, अगर आपको टैक्सुमो की मोटर, टैक्सुमो DMS2 1/2 HP, अगर दोस्तों आपको इस मोटर के बारे में जानना हो तो मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है, और उसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यदि आपको टैक्सुमो DMS3 के बारे में जानना तो उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी बिना किसी देरी की। आप पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। दोबारा बताता हूँ गाइस, प्लीज़, काफ़ी लोग मैं देखता हूँ सब्सक्राइब नहीं करते। या आप गाइस इसका प्रेशर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है फ्लो है इसका। मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, पहले ये 3 साढ़े 3 फुट से उठा रही थी, अब 30 फुट पानी पीछे से उठा रही थी, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। अब काफ़ी लोग सोच रहे हो मैंने ब्रास का एल्बो क्यों लगा रखे, गाइस ये इसलिए लगा रखे कि जिससे मोटर के ऊपर पानी नहीं गिरे, पानी आगे जाए। और गाइस अभी मैंने टैक्सुमो को भी ऑन कर दिया, तो अब मैं इस ये मोटर को मैंने इसलिए ऑन किया कि आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, दोनों के फ्लो में कैसा डिफरेंस है। अब आपको उतना कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चल रहा हो, क्योंकि इसके मैंने आगे एल्बो लगा रखे हैं ये गणेश के आगे, इसलिए आपको ज़्यादा डिफरेंस मतलब पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो ये पानी चला गया दोस्तों। शायद मुझे लगता है बकेट खाली हो गई इसलिए पानी चला गया है, लेकिन फिर भी आप ये शायद तो वापस आ गया, नहीं दोस्तों पानी चला गया दोस्तों। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय दोस्तों।